हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर इन चाइना। गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको शंघाई कैथलन स्वाइथान में से मैंने आपको स्काईलैंड का व्यू दिखाया था, और अब मैं बोटिंग करने जा रहा हूँ। अब मैं बोट से आपको पूरा शंघाई स्काईलैंड का व्यू दिखाऊंगा। अभी हमने टिकट खरीदे हैं, ये 300 RMB के पड़े हैं, नियरली 3500 INR के। लो भाई, अब दिखेंगे जलवे, फेरी के जलवे। दादी को रास्ता दे दिया। और ये अपनी फेरी, अपनी नाव जा रही है और शंघाई का फेमस स्काईस्क्रैपर। बीच में एक बार चाइना में भूकंप सा आया था, तो सर ये भी बिल्डिंग हिल गई थी थोड़ी सी, बट मजबूती है पूरी। अरे दादी बहुत बार आगे आ रही हैं, लग पैर वैर लग जाएगा दादी के। चलो, दादी का पोता साथ में है। देखिए हमारी बॉस आगे आगे भागी जा रही है, पता नहीं किसे फोन लगा रही है। बॉस मन मन जाओ। क्या बनाई है यार, एकदम पूरी डिस्को लाइट है। गाइस, हमारी बोटिंग शुरू हो गई है, हमारी फेरी। सबसे बेस्ट व्यू है, बेस्ट व्यू। अंधो अंधो लगा हुआ है। फोन में एंगल नहीं आ पा रहा पूरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। जो भी है बहुत मस्त है यार, जो भी शंघाई में है जरूर आए यहाँ पर, जो भी चाइना में है, और सबको एक बार लाइफ में चाइना तो जरूर जाना चाहिए। लोगों की गलत फैमिली दूर होगी, चाइना है क्या। और भाई, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है बोटिंग की। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा सी है, पूरी बोट दिखाता हूँ पहले आपको। देखो, इस टाइप से हमारा प्लेटफॉर्म है बोट का, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का। और इस तरफ मेरे पीछे पूरा नज़ारा है। ये सब तो रह ही जाता अगर मेरी बॉस ना मुझे बताती। इनको मैं ढूंढ रहा था और ये बिल्डिंग के पीछे ही थे एकदम। ओह माय गॉड, बस एक फ्लैट मिल जाए उस बिल्डिंग में। और ये ऐसी बिल्डिंग कनाडा में भी है, टोरंटो में। ओ आई शंघाई, शंघाई 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 शंघाई। मेरी बॉस, माय बॉस, माय बॉस। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना सुंदर व्यू है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप लोग खुद यहाँ पर आके एक बार शंघाई आएंगे तो आप जरूर एक बार बोटिंग करना, पूरा स्काईलैंड का व्यू लेना।
यार कौन सी आग निकल रही है इस मशीन। और आप जो ये सामने होटल्स एंड प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये सारे कैसीनोज, बार, क्लब्स हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप शंघाई आते हैं, अगर आप बोट से स्काईलैंड का व्यू लेते हैं, तो इसमें प्राइस स्टार्टिंग रेंज है 150 RMB से 150 RMB की नॉर्मल रेंज है। इसमें आपको कोई विदाउट फूड एंड विदाउट ड्रिंक्स मिलेगा। आप चाहें तो लग्जरी बोट्स भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अप टू 1000-2000 RMB है, नियरली 12,000-24,000 INR। गाइस, मेरी ऑलमोस्ट शंघाई की ट्रिप एंड हो गई है। मेरे जो फ्रेंड्स थे और जो मेरी बॉस आई थी, वो लगभग चले गए हैं सब लोग, और बस पीछे तो शंघाई है। और अब मेरे को कहीं स्टे का देखना है कि मैं कहीं स्टे कर सकूं, या तो कोई होटल या कोई हॉस्टल, या फिर ऐसे ही मुझे टाइम पास करना पड़ेगा 3-4 घंटे। मॉर्निंग में ट्रेन है उसके लिए, और चलो देखते हैं। अभी रात के 1 बज रहा है और मैं भी शंघाई में ही हूँ। तेज की भूख लगी है, तो जस्ट मैंने अभी एक ये चाउपन ऑर्डर करा है, देख सकते हो चिकन चाउपन। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो कि रात में खुला, सबसे बेस्ट लोकेशन लगी मेरे को स्टे करने के लिए। ज़्यादा महंगा तो नहीं है, नॉर्मल महंगा है, एवरेज प्राइस से ये मेरे को 16 RMB का पड़ा है, 2 RMB की पानी की बोतल, यानी कि 18 RMB का सेट, यानी कि 220 रुपये के आसपास, 220 INR। गाइस, मैं अभी भी शंघाई में ही हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है, बस 1 घंटा बचा है, तो मुझे जाके भी टिकट परचेज करना है और वापस अपने कॉलेज जाना है। रात में एकदम खाली रोड है शंघाई के, एकदम खाली रोड। शंघाई क्या पूरे चाइना में ही लगभग ऐसा होता है, रात में आपको एकदम खाली रोड मिलेंगे 99%। गाइस, मैं सुबह वापस अपनी सिटी में जाने के लिए लेट हो रहा था, और मेरे को बुलेट ट्रेन का टिकट बुक करना था, तो एक चाइनीज़ अंकल ने मेरे को लिफ्ट दी है। और ये चाइनीज़ अंकल मेरे को पता नहीं पूरा का पूरा शंघाई को दोबारा घुमाने लेके चले गए हैं। बगल में ही जाना था मेरे को, बट ये पूरा इन्होंने लॉन्ग रूट लिया है, और मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आया इन्होंने लॉन्ग रूट क्यों लिया ये। पर सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया है, वो चाचा ने तो स्कैम कर दिया मेरे साथ चाइना में। 30 RMB मांग रहा था छोड़ने के, 20 दे के काम चलाया है। और खैर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हर कंट्री में ऐसे छोटे मोटे स्कैमर्स तो होते ही हैं। शंघाई रेलवे स्टेशन, मैं टिकट वगैरह लेके सब कुछ अंदर आ गया हूँ, बस अब प्लेटफॉर्म पे जाना है और ट्रेन का वेट करना है। इस बार मैंने बुलेट ट्रेन करी है। यार, फॉरेनर्स का एक फ़ायदा है चाइना में, पासपोर्ट दिखाओ कोई सा भी और बस एंट्री ले लो फास्ट, फटाफट से। लंबी लाइन थी पर मैं तो बिना उसके लाइन में लगे आ गया अंदर। सॉरी, ट्रेन हमारी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी है, डिब्बा नंबर 6, बॉक्स नंबर 6, एंड हमारी बुलेट ट्रेन। गॉड, विंडो सीट मिल गई मेरे को। चाइना में जो बुलेट ट्रेन होती है उसके भी क्लास होते हैं, बिजनेस क्लास, नॉर्मल क्लास, तो मेरा ये नॉर्मल क्लास का डिब्बा है। इस टाइप से सीट है। बस बुलेट ट्रेन में बैठते हुए अपनी सीट पीछे कर ली है, और बस अब यहाँ से मस्त व्यू पर नज़र आ लेंगे। स्टार्ट हो गई है, मैं ट्राई करूँगा कि इसकी स्पीड को कैप्चर करा जाए, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक सैनिटरी बैग है, उल्टी उल्टी होगी तो ये यूज़ किया जाएगा। बस भाई, और कुछ नहीं है, वापस लाओ उसको। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए अपने चंचियांग, एंड ऑफ द ट्रिप।